लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के दोषप्रीत फिल्म दहेज में पिस्तौल का भव्य मुहूर्त आज मुंबई में संपन्न हो गया। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई गणमान्य शक्ति उपलब्ध रहे। उन्होंने फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि इस फिल्म का नाम वाकई में अलग है और यह लोगों का ध्यान खींचने वाली है। बता दें कि इस फिल्म में भी भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रविंद्र केला कल्लू के बाद अब एज ए सिंगर एक्टर विनोद कुमार एंट्री कर रहे हैं। फिल्म के मुहूर्त के बाद विनोद कुमार ने कहा कि दहेज में पिस्तौल काफी अलग फिल्म है। वही फिल्म के निर्माता विनोद कुमार और कमल नंद गौर ने कहा कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की फिल्मों में आजकल काफी विधिवत आ गई है। इससे इंडस्ट्री में फिल्मों को लेकर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बना है। इसीलिए आज क्रिएटिव चीज़ों का फोकस करना जरूरी है, जो हम अपनी आने वाली फिल्म दहेज में पिस्तौल में किया है, क्योंकि भोजपुरी दर्शकों को एक बड़ी आवाज बिहार में है और बिहार में राज्य सरकार की ओर से दहेज बंदी की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में यह फिल्म लोगों को दहेज बंदी के लिए जागरूक भी करेगी और उन्हें इंटरटेन भी करेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरी से प्रियंका की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।